नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। बुलेटिन की शुरुआत फरुखाबाद से करते हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये भी घटना को लेकर जानकारी मिली है कि पुलिस आधे घंटे तक घटना स्थल पर नहीं पहुंची। इससे पहले भी एक्सप्रेस न्यूज भारत लगातार आपको इस तरीके की घटना दिखाता रहता है कि फरुखाबाद में आए दिन सड़क हादसे होते हैं, जिसमें लोग अपनी जानों को गंवा देते हैं, लेकिन प्रशासन हमेशा सोया हुआ दिखता है। देखिए रिपोर्ट। खबर फरुखाबाद शहर की है, जहां एक स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने रौंदा। फरुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के टावा बरेली मार्ग पर सावित्री कोल्ड स्टोरेज के ठीक सामने तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला पूर्व सैनिक की पत्नी थी और घटना के दौरान दोनों स्कूटी पर सवार थे। सैनिक तो घटना में घायल हो गए और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूचना के आधे घंटे तक भी मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से भीड़ ने हंगामा काटा। भीड़ ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहां से गुजर रहे भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने रुककर घटना के बाबत की जानकारी ली। ट्रक चालक व परिचालक घटना के बाद से मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मृतका का शव पंचनामा भरकर। तो वहीं फरुखाबाद के कयामगंज क्षेत्र में एसडीएम और साधुओं के बीच में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि ये विवाद गंगा तट पर मेले लगाने को हुआ था। साधुओं का ये कहना है कि प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। साधु ने यह भी कहा है कि हमारी विरासत है गंगा तट पर मेला लगवाना और कल्पवास करना। देखिए रिपोर्ट। फरुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र के ढाई घाट गंगा तट पर कल्पवास करने पहुंचे साधुओं को एसडीएम कायमगंज ने रोका। जिला प्रशासन ने गंगा घाट पर मेला लगवाने से मना किया। इस पर साधुओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि वह उनके पुरखों की विरासत है और कुछ हो जाए वह इसी घाट पर कल्पवास करेंगे। वो कह रहे थे यहाँ भीड़ भाड़ होगी और वो पिछले साल वो वहाँ तो पीछे मेला लगता, वो मेला नहीं लगा, इसलिए एसडीएम का आदेश नहीं है तो मेला यहाँ नहीं, वहाँ सब पंचाल घाट पे चलो। तो हम लोगों का इतना सामान सच्चा लेके आए हैं तो पंचाल घाट कैसे पहुंचूंगा, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक आए, वहाँ तक कैसे पहुंच पाऊंगा। भगवान निक तहसीलदार भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे और उसके साथ वो थानेदार भी आए थे, पुलिस प्रशासन भी था कि मतलब वहाँ ये सब लोग जितने भी यहाँ हैं साधु संत सब पंचाल घाट पर चलो, मैं सबकी व्यवस्था करूँगा। ये हो गया हो कम से कम 70-80 साल हो गए मेरा एक्टिव हुए, तो हम लोगों ने तो यही कहा कि मतलब हम यही लगाए मेला करेंगे। हाँ बिल्कुल खड़ा रहूंगा, बिल्कुल खड़े रहेंगे, हम काटे हैं काई। बस बोलो। हाँ कल एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ मेला नहीं लगेगा, वो यहाँ से आप लोग मेला उखाड़ ले जाइए और पांचाल घाट फरखावाल लगाइए जा करके। तो मैंने उनसे कहा कि जब वहाँ व्यवस्था होगी फिर यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं होगी, मेला ये बहुत पुराना है और यहाँ मेला लगना चाहिए। तो वो कहते नहीं आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, वहीं आपको जगह मिलेगी वहीं जाइए। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, तो नहीं उल्टी भाषा में बात नहीं की और ये कहा कि मैं अगर नहीं आप मानोगे कल तक के लिए मैं पुलिस को रोक दूंगा, फिर आपको पुलिस यहाँ से बराबर। तो वहीं आज पूरे भारतवर्ष में कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है। इसी के मद्देनजर कुशीनगर में भी कोविड वैक्सीनेशन दी गई। इसमें 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन हो रहा है। तीनों सेंटरों पर 100-100 स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन होगा। कुशीनगर में 3 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं। वैक्सीनेशन सेंटर के लिए जो 3 जगहें चयनित की गई हैं उनमें जिला चिकित्सालय CHC हाटा व CHC फजील नगर का नाम शामिल है। तो वहीं आगरा से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। आपको जानकारी दे तो एक बहू अपनी सास को बेरहमी से पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वृद्ध सास की पिटाई करती बहू का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बहू अपनी 85 वर्षीय बीमार वृद्ध सास को झाड़ू से बेरहमी से पीटती हुई दिखाई दी और पिटाई के दर्द में चिल्ला रही वृद्धा। इस वायरल वीडियो ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते ही महिला के घर पहुंची, मगर आरोपी महिला तब तक फरार हो चुकी थी। आपको बता दें कि यह मामला थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत गाँव भावपुरा। तो वही कोहरा भी अब सड़क हादसों की वजह बन रहा है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में
सवारियों से भरी बस एक ट्रक से टकरा गई। देखिए रिपोर्ट। घटना घूरपुर थाना क्षेत्र के गोहनिया ओवर ब्रिज के आसपास की है, जहां घने कोहरे के कारण रास्ता सही ढंग से ना दिख पाने की वजह से मध्य प्रदेश के बिलासपुर शहर से प्रयागराज आ रही सवारियों से भरी बस ओवर ब्रिज पर पहले से खड़े ट्रक में जा टकराई। बस के ट्रक में टकराने के कारण बस में बैठे यात्रियों में लगभग एक दर्जन यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वहीं एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद ही बस चालक बस से उतरकर घने कोहरे का लाभ उठाते हुए मौके में भाग निकला। बस में सवार यात्रियों के द्वारा बताया गया कि घना कोहरा होने के कारण रास्ता साफ ढंग से नहीं दिख रहा था। वहीं बस जब तेज रफ्तार से पहले से खड़े ट्रक के काफी करीब पहुंच गई, तब बस चालक ने बस को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी सवारियों से भरी बस ट्रक के पिछले हिस्से में जा टकराई। बता दें कि बस में बैठे सभी यात्री बिलासपुर से प्रयागराज जनपद में माघ मेले में काम की तलाश में आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? बिलासपुर से। कहाँ जाना है? इलाहाबाद। कितनी समय घटना है? ये ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का घटना है। अच्छा अच्छा, तो कितने लोग लगभग चोटिल हुए होंगे? कम से कम 25-30। हाँ ऐसे होगा। हाँ ऐसे। कितने लोग? कम से कम 25 आदमी चोट लगी हुई है। अच्छा, कहाँ कहाँ से रहने वाले थे ये लोग? सब बिलासपुर के हैं। सब बिलासपुर के हैं। तो वहीं अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर भी सड़क हादसा हो गया, वजह कोहरा ही बताया गया। देखिए रिपोर्ट। थाना टप्पल इलाके के जीकरपुर और टप्पल इंटरचेंज पर घने कोहरे के कारण आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दर्जनों वाहन आपस में टकराते हुए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं इस भीषण एक्सीडेंट के बाद कारों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब दर्जनों लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इस मामले में क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन वाहनों में आग लग गई, तीन लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। 16 जनवरी को सुबह लगभग प्रातः 7:30 से 8 के बीच में कोहरा अधिक होने के कारण आपस में गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट में लगभग 5 से 6 गाड़ियां आपस में कोलाइड हुई हैं और किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं है। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल ले आके इलाज कराया जा रहा है और आवश्यकता। तो वहीं आज से जारी 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन का अभियान मुरादाबाद में भी चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 10:30 बजे कर दी है। मुरादाबाद में भी इस इलाके के लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पिछले एक साल से कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे देश के लोगों का आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश देते हुए कहा कि इसका श्रेय देश के वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने कम समय में स्वदेशी टीका बनाकर एक इतिहास रच दिया है। इसके लिए आज से फ्रंट वॉरियर्स को टीका लगाना शुरू हो गया है। बता दें कि मुरादाबाद में भी इसके लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर डीएम राकेश कुमार सिंह ने जिला अस्पताल के मेन सेंटर पर पहुंचकर फीता काटकर इसकी शुरुआत की। फिर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण शुरू हो गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर उनमें खासा उत्साह नजर आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद किया है और देश के आम नागरिकों को संयमित होकर टीका लगवाने का संदेश भी दिया है। वहीं डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलारी ठाकुर द्वारा सहित जनपद में कुल 6 सेंटर बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत मुरादाबाद में भी हमारे 6 केंद्रों पर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। इसमें से हमारा जिला अस्पताल है, जिला सी है, इन 6 केंद्रों पर हमारे जो है हेल्थ कर्मियों का टीकाकरण आज जो है प्रारंभ किया गया है। देखिए, जो टोटल टारगेट है करीब 19,000 स्वास्थ्य कर्मियों को फर्स्ट फेज में टीके लगेंगे और उसके लिए आवश्यक वैक्सीन वगैरह उपलब्ध हो गई है। स्वास्थ्य केंद्रों पर समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे जो भी इसका एसओपी था, जो प्रोटोकॉल था, उसके तहत हम लोगों ने पूरी व्यवस्था जो है की है, जिसमें सबसे पहले जो हमारे हेल्थ कर्मी आएंगे वो वेटिंग एरिया में बैठेंगे, वहाँ से फिर वो टीकाकरण कक्ष में जाएंगे और इसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन कक्ष में बैठेंगे और फिर आधे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद।